अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज हम बांगरा मच्छी की थाली बना रहे हैं, एकदम टेस्टी। आज हमने बांगरे की थाली बनाई, एकदम टेस्टी। बांगरे का सालन बनाए, बांगरा फ्राई किए, गवार बनाए, तिलकुट में नहीं बनाया, आज हम मिर्ची हल्दी में बनाए। जिसके पास तिलकुट है उसे ऐसी गवार बना के खाओ। खिचड़ी बनाए, अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखिए। बांगरे का सालन बना रहे, सालन बना रहे आज, हल्दोनी नहीं बना रहे। ये हमने बांगरा मच्छी लिए है, मुंडे का भी हिस्सा है और तुमची का भी हिस्सा है। ताजे बांगरे एकदम मीरा रोड से लाए, एकदम टेस्टी। साफ किए, इसको धो के लिए अच्छे से। तीन टमाटर को लिए हैं, एक लहसुन की गट्टी को छील के लिए हैं, दो टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है, एक टेबल स्पून कुटा भुना जीरा है, एक टी स्पून हल्दी है। ये सब मिला देंगे ना तो कोकनी मसाला बनेगा। ये सब मिला जो कोकनी मसाले हमने डाले हैं इसमें यूट्यूब पे, वो भी देखो। और ये इतना ही सब रहता है उसके अंदर, तो वही अब कोकनी मसाला है। ये मिला देंगे तो कोकनी मसाला हो जाएगा। कोथमीर लेंगे, आधा लहसुन की गट्टी लिए है, उसको कूट के लिए हम दस्ते में, एक चुटकी मेथी दाना है, करी पत्ता है, अभी बनाने का तरीका बताएंगे। कोथमीर डालेंगे, इसको पीस के लेकर आएंगे, अभी इसको पीस के लेके आएंगे। एक चम्मच भर तेल डाल दिए, अभी लहसुन और मेथी दाना डालेंगे। लहसुन मेथी दाना डालेंगे, लहसुन का कलर बदली होने तक रुकेंगे। बदली हो गया, अभी करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डालते हैं, चेहरा पीछे करेंगे नहीं तो चटक के अपने मुंह पे उड़ सकता है। देखो हो गया, अभी ये कलर बदली हो गया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, मसाला पीस के लाए, वो डालेंगे। ऐसा ही मसाला थोड़ा पानी डाल के पीसने का, तो तिल के पत्थर का मसाला जैसा पीसता ना, वैसा सूखा सूखा मसाला पीस जाता है, तो इसमें स्वाद अच्छा आता है। मसाला भुनने में स्वाद अच्छा आता है। ये देखो कोकनी मसाला, ये आज का कोकनी मसाला है। ये देखो अच्छे से जरा भुनेंगे फिर बताएंगे। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल दिए, अभी मसाले को भुनने तक, तेल ऊपर आने तक रुकेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, देखो तेल ऊपर आ गया अच्छे से। अभी इसमें क्या करेंगे, मसाले का पानी है ना, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से डालेंगे। डालो पूरा पानी तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। देखो अभी डाल दिए, अभी इसके अंदर कैरी डालेंगे। कैरी डालो या खट्टा डालो, इमली डालो, कुछ भी डालो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन खटाई होना ज़रूरी है। मच्छी के सालन में खटाई होना ज़रूरी है। अभी क्या करेंगे, इसको ढककर रखेंगे और इसको उबाल आने देंगे, कैरी को आधा पकने देंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, देखो आधी कैरी पक गई, अभी इसमें आधा पकने के बाद हम मच्छी डालेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अभी मच्छी डाल दिए ना, अभी बारीक गैस पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। बारीक गैस पे ढक्कन ऐसा रखेंगे और 10 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, देखो
बांगड़े का सालन अच्छे से पक के तैयार एकदम फर्स्ट क्लास। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। देखो कितने अच्छे से पक गया, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो अभी हम इसमें कोथमीर डालेंगे और डिश आउट करेंगे। प्याज को चॉप करके लिए हैं, गवार बना रहे। एक टीस्पून हल्दी है, एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, पाव किलो गवार है को तोड़ के साफ करके लिए हैं, और दो टमाटे लिए। अभी इसका तरीका बता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा तेल डाल दिए, एक चम्मच भर के प्याज डालेंगे। प्याज के साथ नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हिमालय सॉल्ट। अभी इसको गुलाबी होने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवार का प्याज हो गया। ऐसा ही प्याज का कलर बदली करने का, इससे ज़्यादा नहीं। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे, डाल दिए। अभी इसको अच्छे से ज़रा भुनेंगे ये तेल के अंदर। पानी नहीं जाता इसमें, पानी नहीं जाएगा बिल्कुल। अभी ये गवार और टमाटर है ना, वो डाल दें और मिक्स करेंगे, और बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे। मिक्स करके बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे, पानी नहीं डालने का। पानी डालेंगे तो मज़ा इसका ख़राब हो जाएगा, और ऐसी बराबर पक जाती। खाली जो अपन ढककर रखते ना, उसका पानी जो भाप का पानी आता उसी के अंदर, और ये तेल डाले हैं मसाले, इसी के अंदर अच्छे से पक जाएगी। ढककर रखेंगे, बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो गवार कितने अच्छे से पक गई, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ऐसी पकाने की। देखो टमाटे का पानी छोड़ा, तेल हम थोड़ा सा डाले, टमाटे के पानी में अच्छे से पक गई गवार। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। बांगरा लिए हैं, बांगरे को साफ करके ऐसे कट मार के लिए, ताजे बांगरे मीरा रोड के। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक नींबू का रस डालेंगे, एक टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर कुटा भुना जीरा, एक टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। अभी इसका तरीका बताएंगे। अभी बांगरे को मसाला लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक इसके अंदर है हाँ। एक नींबू का रस डालें, अभी इसको अच्छे से कलाएंगे। थोड़ा सा तेल डालो, थोड़ा सा तेल डालेंगे ना तो मसाला अच्छे से चिपक के रहेगा बांगड़े को। तेल डालने से स्वाद भी अच्छा बढ़ता है। अरे वो तेल में ही फ्राई होने वाला है। हाँ तो फ्राई तो तेल में छोटा, पानी में थोड़ी होता है, तेल में फ्राई होता है। ने बनाने का तरीका बता रहे हैं ना, अपन किसी को सिखा रहे, तो अच्छा सिखाने का। तेल डाल दिया थोड़ा सा, एक टेबल स्पून तेल डाल दिए। अभी बांगड़ा लेके बांगड़े को मसाला लगाएंगे। लगा के इसको साइड में रखेंगे 2 घंटे के लिए, फिर इसको फ्राई करेंगे तो एकदम स्वाद ऐसा लगेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। अंदर ऐसा मसाला भर भर के लगा देंगे। हम मसाला लगाते हाथ धोते तो भी, इधर बैठ के हाथ धोते ना तो भी वो थोड़ा थोड़ा मसाला हाथ में रहता ही है। कि बाथरूम में जाके धोना, बेसन में जाके धोना और इधर धोना अलग बात है ना। तो तुम लोग बोलते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि हाथ आंटी का गंदा है, गंदे हाथ से पूरा एक बताइए,
इसके लिए मेरी अफ्सा बना रही, क्योंकि मेरी अफ्सा जाके फटाफट हाथ धो के आ जाएगी ना, इसके लिए अफ्सा लगा रही मसाला। बांगरे को मसाला लगा के हो गया, अब इसको 2 घंटे के लिए साइड में रखेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। 1 कप तेल डाले, मच्छी फ्राई कर रहे हैं। तेल गर्म रहता है मच्छी फ्राई करने की, ये मच्छी फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा लगता है, वो तेल तो दूसरे काम में आ जाता है, मच्छी फ्राई होने के बाद उसको दूसरे काम में लगा देने का, भाजी में डालने का, सालन में डालने का, लेकिन मच्छी फ्राई करने इसके लिए ज़्यादा तेल लगता है। ये एकदम ताज़े बंगरे हैं, एकदम ताज़े दरिया से पकड़ के लाता हूँ मच्छी वाला, उसका नंबर भी आपको डाली हूँ यूट्यूब पे, वो भी देखो। एकदम मच्छी फ्राई ऐसा करते हैं, इतनी टेस्टी लगती है मच्छी फ्राई, क्योंकि ये ताज़ी रहती ना इसके लिए। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। 5 मिनट हो गए अभी ये मच्छी को, अभी इसको पलटेंगे। देखो माशाल्लाह कैसी फ्राई हो रही है, बराबर तेल ज़्यादा लेने का और मच्छी फ्राई 5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट एक तरफ ऐसी फ्राई करेंगे। ये देखो 2 घंटा इसको रखे पहले, हाँ हमने 2 घंटा इसलिए रखे मैरिनेट करके कि इसमें स्वाद अच्छा आने के लिए। देखो मच्छी फ्राई अच्छे से हो गई एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो अभी इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। किलो चावल लिए, कोलम चावल है, धो के लिए इसको। 1 बड़ा चम्मच भर के घी डालेंगे, असली घी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक डायबिटीज का है, जो हिमालयन सॉल्टिंग हिमालय सॉल्ट है। और 1 प्याली भर के मसूर की दाल को धो के लिए, और 1 छोटा सा प्याज लिए चॉप करके। अभी बनाने का तरीका बताए मंत्री, खिचड़ी बना रहे। पहले घी डालेंगे, डाल दिए इसके साथ। ये देखो 5 काली मिर्च है, 2 इलायची, ये डालेंगे ना तो थोड़ा खिचड़ी का स्वाद अलग आ जाता है। अच्छे से तरक्की हो गया, अब ये प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज का कलर जल्दी बदली हो जाता है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। झटपट बनाने का, फटाफट खाने का, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी क्या करेंगे ये देखो, इतना ही बस भी करने का। अभी ये मसूर की दाल डालेंगे, उसको अच्छे से घी के अंदर, प्याज के अंदर अच्छे से भुनेंगे। मसूर की दाल भून के हो गई, अभी ये चावल डालेंगे। ऐसी खिचड़ी बना के खाओ, फिर हमें बताओ कैसी लगी। ये कैसी मच्छी के सालन के साथ खिचड़ी बनाती है, ऐसी खिचड़ी नहीं है, मतलब जो टमाटर वमाटा डाल के बनाते हैं वो खिचड़ी अलग रहती, खाली ऐसी खाने की रहती, लेकिन ये इसको मच्छी के सालन के साथ खाने की। अभी इसको भूनेंगे चावल को, कितना गलास है ये? 3 गिलास है। अब ये 3 गिलास पानी डालेंगे, चावल जो निकालते उसी बर्तन में पानी डालेंगे, चावल पूरे साफ होके अंदर चले जाते हैं। अभी इसको सूखने तक पकाएंगे, ढक्कन रख के, ढक्कन दे, अभी इसको सूखने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खिचड़ी का पानी सूख गया, ये देखो पूरा पानी सूख गया। अब चम्मच चलाएंगे और इसको बारीक गैस पे 5 मिनट तक रखेंगे, ढककर रखेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। देखो खिचड़ी पक गई, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे।
देखो कैसी फुली फुली बनी है। देखो जुने चावल लेने के 3 गिलास पानी डालने का, नवे चावल है तो 2 गिलास पानी डालने का। ये देखो कितने अच्छे से पकी है, देखो देखो खुला खुला चावल बना है एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आ रही है उसको। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हो, अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे हर मुसीबत परेशानी सब खलास करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी दुनिया के लिए दुआ कर रही, जो चैनल मेरा देखते उनके लिए भी कर रही, जो नहीं देखते उनके लिए भी कर रही। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी उम्र दराज करे, सबको रोजी रोजगार से नवाजे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी खलास करे, सबकी बीमारी शफात करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको गैबी दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को भूखा मत रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी बीमारी शफात करो, सबको अच्छा रखो, खुश रखो, आबाद रखो, सबके घर में खुशी खुशी होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार खुशी की बाहर आने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसके औलाद नहीं है उसको साहिब औलाद होने दो, जिसके माँ के बच्चे माँ को उल्टा बोलते हैं वो सीधा अच्छा होने दो, नेक बनने दो बच्चे। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको अच्छी हिदायत दो, अच्छी अपने माँ बाप की मेहनत करने के लिए अच्छी हिदायत दो। अल्लाह पाक परवरदिगार उनकी मुसीबत परेशानी सबकी खलास करो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो जो लड़कियाँ शादी की बैठी उनकी शादी होने दो, वो अपने घर में जाके ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। खाना खाने आओ, देखो कितने अच्छे से पकी है एकदम फर्स्ट क्लास भांगरा मच्छी, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो अनिंदा भाई आई।